हेलो दोस्तों, फाइनली मारुति सुजुकी ने अपनी फ्रॉन्क्स को लॉन्च कर दिया है। तो देखते हैं दोस्तों मारुति सुजुकी की ये कार फ्रॉन्क्स मार्केट में कितना कुछ करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स की डिटेल्स के बारे में, जैसे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, इसके सेफ्टी फीचर्स की, डायमेंशंस की, ये कार कितने इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और भाइयों आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों पहले बात करेंगे फ्रॉन्क्स के डायमेंशंस की। तो दोस्तों इस कार में आपको 3995 mm की लंबाई देखने को मिल जाती है और 1765 mm की चौड़ाई देखने को मिलेगी। और इस कार की ऊंचाई की बात करें तो वो आपको 1550 mm की देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको 2520 mm का इस कार में व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अगर यही इस कार के हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो आपको 190 mm का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इस कार के डायमेंशंस की बात, अब बात कर लेते हैं इस कार के इंजन की। तो दोस्तों मारुति फ्रॉन्क्स में आपको दो इंजन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसका पहला इंजन है 1197 cc का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 88.51 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। और दोस्तों इसमें आपको इसका दूसरा इंजन देखने को मिलता है 998 cc का थ्री सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 99.6 bhp की पावर और 147.6 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। तो दोस्तों इस कार में आपको एक तो इसका नॉर्मल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 1.2 लीटर का है, और एक इसमें आपको टर्बो इंजन देखने को मिलता है जो कि 1.0 लीटर का है। तो दोस्तों अब हमने इंजन की भी बात कर ली, तो अब इसकी माइलेज की बात करते हैं। तो मारुति फ्रॉन्क्स आपको 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है। ये भी दोस्तों मारुति सुजुकी ने ही क्लेम किया है। और इसी के साथ साथ आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि मारुति सुजुकी ने अपनी फ्रॉन्क्स को सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही लॉन्च किया है। अब दोस्तों इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो वो आपको 37 लीटर का देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर इसके कर्बेट की बात करें तो इसके 1.2 लीटर में आपको 965 किलोग्राम से लेकर 970 किलोग्राम तक का कर्बेट देखने को मिल जाता है। अगर इसके 1.2 लीटर वाले वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 1035 किलोग्राम से लेकर 1030 किलोग्राम तक का कर्बेट देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इस कार के कर्बेट की बात, अब बात करते हैं इस कार के टायर साइज की। तो दोस्तों इस कार के आपको बेस मॉडल में आपको 16 इंच के स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं। यही इसके टॉप मॉडल्स की बात करें तो उसमें आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। तो दोस्तों ये भी हो गई इसके टायर साइज की बात, अब इसके बूट स्पेस की बात करते हैं। तो इस कार में आपको 308 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स की। देखते हैं इस कार में दोस्तों आपको कितने सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों इस कार में आपको 6 एयरबैग के साथ साथ ABS+EBD, उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 360 व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, उसी के साथ दोस्तों रियर डिफॉगर, ISO फिक्चाइल सीट्स, डे नाइट IRVM। दोस्तों मारुति सुजुकी ने आपको फ्रॉन्क्स में ये सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। अब बात करते हैं इस कार के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो दोस्तों इसमें आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स, उसी के साथ 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, उसी के साथ साथ दोस्तों वायरलेस चार्जर जिससे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, पुश स्टॉप बटन विद स्मार्ट की, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, उसी के साथ साथ दोस्तों फ्रंट आर्म रेस्ट, उसी के साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, पीछे आपको AC वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं इस कार में। ये हो गए दोस्तों इस कार के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स। अब बात करते हैं दोस्तों इस कार के कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की। इसमें दोस्तों आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर वाइपर, उसी के साथ वॉशर, रूफ एंड स्पॉइलर, इसी के साथ साथ दोस्तों इसके फ्रंट एंड बैक में आपको स्किड प्लेट्स देखने को मिलती है, ऊपर छत के ऊपर शार्क फिन एंटीना, UV कट ग्लासेस और बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स। ये हो गए दोस्तों इसके कुछ एक्सटीरियर फीचर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कार के कुछ इंटीरियर फीचर्स की। तो इसमें आपको डुअल टोन में इंटीरियर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, पीछे आपको पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 8 कलर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर यहीं इसके वारंटी पीरियड की बात करें तो इस कार की मारुति सुजुकी ने 2 साल के साथ साथ 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी प्रोवाइड की है। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स के प्राइस के बारे में। तो इसका दोस्तों एक्सोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से 7,46,000 से लेकर 13,13,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही लोगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।